हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है नववर्ष, नववर्ष के आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है माता रानी के दिन, नवरात्रों की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने अपना सर धोया है, तो अभी ये गीला है। जैसे ही सूख जाएगा तो मैं अपनी पूजा शुरू करूंगी उसकी। यहाँ पर हो गई है नवरात्रों की तैयारियां शुरू, और मैं सामान भी सारा ले आई थी, मैंने आपको दिखाया भी था। हमें इसको सारे सामान को थाली में लगा रही हूँ क्योंकि माता रानी की पूजा करनी है। और यहाँ पर आ गई है मेरी फूलों की माला, ये ताजी ताजी माला। और इसके बाद हम करेंगे अपना पूजन। यहाँ पर मैं अपना सारा सामान मंदिर में ला के रख दिया है मैंने। और ये है मेरा कसोरा जिसमें मैं अपने जो बोऊंगी। मैं नया कसोरा नहीं लेके आई हूँ क्योंकि पिछले साल का मेरा सही सलामत था। और ये मेरा दरबार है, मैंने इस बार अलग से दरबार नहीं लगाया है क्योंकि मुझे मायके जाना है। मेरे जाने के बाद कोई भी ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने दरबार नहीं लगाया। इसी में ही माता रानी की पूजा की है इस बार। यहाँ पर मैं बनाऊंगी माता रानी के चरण। जो भी नवरात्रे आते हैं, हर 6 महीने नवरात्रे आते हैं, तो मैं तभी चरण बनाती हूँ। दिवाली पर मैं लक्ष्मी माता के चरण बनाती हूँ। घर में चरण बनाने बहुत शुभ होते हैं, और चरण बनाने के बाद हमें उनका पूजन भी जरूर करना चाहिए। तो मैं भी पूजन करूँगी और आपको भी बताऊँगी किस तरीके से हमें पूजन करना चाहिए। ये अच्छे होते हैं घर में बनाने। अब मैं यहाँ पर बोऊंगी अपने जो और करूंगी उनका पूजन। जो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर एक रात पहले भिगो देंगे तो जो हमारे बहुत अच्छे होंगे, तो मैंने रात को भिगो दिए थे। अब मेरी पूजा सारी हो गई है। अब मैं इसके बाद बनाऊंगी अपने लिए थोड़ी सी चाय, और चाय आज मैं पीऊंगी अपनी एक कटोरी में क्योंकि आज मेरा फास्ट, आज मैं कप में नहीं लूंगी। यहाँ सुबह सुबह भजनों का आनंद लिया जा रहा है, सुबह से ही भजन चल रहे हैं। और मेरी पूरी डस्टिंग हो चुकी है, सारा काम मेरा हो गया है और मेरी पूजा भी हो गई है। बस अब मैंने बनाया है यहाँ पर थोड़ी सी अपने लिए चाय, क्योंकि मैं थोड़ी सी चाय लूँगी वरना मुझे दिक्कत होने लगेगी। आदत बनी हुई है थोड़ी सी चाय लेने की। आज तो मैं चिंगा चिंगू गई।
यहाँ मैं पहुँची हूँ अपनी बड़ी जिठानी के यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए और अपने जेठ जी का, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। कोई भी हम व्रत करते हैं या कोई भी पूजन होता है तो बड़ों का आशीर्वाद हमें जरूर लेना चाहिए। ये है मेरी बड़ी जेठानी, इनके बारे में वैसे तो आप जानते ही हैं। मेरे मायके में फंक्शन है और ससुराल में भी फंक्शन है, तो मुझे साड़ी लेने के लिए जाना है और आज पहला नवरात्र भी है, तो मैंने सोचा कि दुकानें थोड़ी खाली मिलेगी आज भी है, तो मैंने सोचा आज ही क्यों ना चली जाऊँ। यहाँ पर मैं निकल गई हूँ आनंद फानंद में रिक्शा में बैठकर फटाफट से शॉपिंग करने के लिए, कि शॉपिंग की बात आए और हम ना पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने मुझे बता दिया था कि तुम्हें कहाँ आना है। हम पहुँचे शॉपिंग के लिए और वो मुझे वहीं पर मिल गए थे, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इसको ले ले इसको ले ले, लेकिन मेरे को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सारी साड़ियाँ खुलवा के डाल दी और काफ़ी सारी साड़ियाँ मैंने ट्राई भी की थी पहनकर, तो उन्होंने फ़ोटो लेने के लिए और वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैंने फिर भी चोरी से एक दो साड़ियों की वीडियो बना ही डाली। और आप बताना कौन सी अच्छी लग रही है इसमें, आप क्या बताओगे, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रही थी। फिर रास्ते से मैंने बच्चों के खाने के लिए काफ़ी सारा सामान लिया, मैंने ये चिप्स लिए हैं बच्चों के लिए और फल लेके आई थी और ये बोलते हैं चौलाई की पट्टी बोलते हैं ये ली थी और ये साबूदाने के चिप्स लिए थे, क्योंकि हम तो रह लेंगे लेकिन बच्चे नहीं रह पाते हैं खाए बिना, तो मैंने बच्चों के लिए काफ़ी सारा सामान लेके आई थी रास्ते से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय, इसी के साथ बाय बाय।